काफी समय से एक बिग बजट एंटरटेनर नहीं आई थी। उस लहजे से देखा जाए तो भारत का इंतजार सभी को था। फिल्म आई और फिल्म कहा जाए तो एक पूरी तरह से फैमिली एंटरटेनर मूवी है। फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें एक हैंडसम बूढ़ा लौंडा दिखाया गया है, सलमान खान। क्योंकि सलमान खान चाहे 70 के हो जाएं, चाहे 75 के हो जाएं, शायद बूढ़े होंगे नहीं। हो गया लेकिन शिकार। फिल्म पूरी की पूरी फ्लैशबैक में दिखाई गई है। यहाँ पे वो स्टोरी अपने भांजे और परिवार को अपने बर्थडे पर सुनाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी के पहले से, जहाँ पे सलमान खान अपने पिता जैकी श्रॉफ के साथ रहते थे। और जब पार्टीशन हुआ उस वक्त जो माहौल हुआ है वो माहौल मूवी में दिखाया गया है। ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से उस वक्त त्राही त्राही थी, हर जगह दंगे फसाद थे, लोगों ने कैसे किसको काटा, लोग कैसे परिवार एक दूसरे से अलग हुए, परिवार कैसे एक दूसरे से अलग हुए। उन्हीं में से एक परिवार सलमान खान का था, जो उस पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने में अपने पिता को और अपनी छोटी बहन को खो देते हैं। पूरी मूवी एक ही लाइन, एक वादे के ऊपर चली है, जो सलमान खान ने अपने पिता से और उनके पिता ने सलमान खान से किया था, कि मैं तुम्हारी बुआ जी की दुकान, जिसका नाम है हिंद जनरल स्टोर, हिंद जनरल स्टोर पे आके तुमसे मिलूंगा, मैं वादा करता हूँ। तब तक तुम पूरे परिवार को जोड़ कर रखना, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसी वादे को निभाते निभाते सलमान खान का पूरा सफ़र दिखाया है। उसी के साथ साथ दोस्तों भारत का भी सफ़र दिखाया है, जो आज़ादी के बाद से धीरे 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 डेवलप हुआ है। आगे बात करते हैं तो जब सलमान खान भारत आ जाते हैं तो उन्हें सुनील ग्रोवर के रूप में एक दोस्त मिलता है, जिनके किरदार का नाम मूवी में गौथी है। गौथी और सलमान खान भारत, दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी दिखाई है, शुरू से लेके बचपन से लेके एंड तक लाजवाब जय वीरू की दोस्ती दिखाई है, कहीं पे भी नहीं छोड़ा है। शुरुआत में दोनों टीनेजर जब दिखाए हैं 7-8-9-12 साल के, उस वक्त एक लव ट्रायंगल फॉर्म करता है। उस लव ट्रायंगल में सुनील ग्रोवर, सलमान खान और दिशा पाटनी, इनकी एंट्री होती है। सर्कस का सीन दिखाए हैं, सर्कस के बारे में बताया है। वहाँ उस नौकरी को छोड़कर सलमान खान वो तेल की खुदाई करने चले जाते हैं सऊदी में। सऊदी में उनको कैटरीना कैफ मिलती है, कैटरीना कैफ को उनसे प्यार होता है, सलमान खान को भी कैटरीना कैफ से प्यार होता है, कैटरीना कैफ को भी सलमान खान अच्छे लगने लगते हैं। दोस्तों मूवी में जो खास बात बताई है वो ये बताई है खुद सलमान खान ने कि भारत वो पहला लड़का था जो लिविंग रिलेशन में रहता है अपनी माँ की इजाज़त से। तो ये तो बहुत आगे की बात बता दी जो हजम नहीं हुई थोड़ी सी। बाकी मूवी फुल फैमिली एंटरटेनर है। उनको नेवी में काम करते हुए दिखाया है, क्योंकि पहले तो ऐसा ही होता था, कभी किसी जॉब में आप जा सकते थे, कभी किसी जॉब में जा सकते थे। आज जैसे इतने एग्ज़ाम नहीं हुआ करते थे, इतना टफ कॉम्पिटिशन नहीं था, इतना रिजर्वेशन नहीं था, इतना कुछ भी नहीं था। पहले इंसान जहाँ नौकरी होती थी वहाँ अप्लाई करता था, वहाँ वो काम कर सकता था। तो ये पूरी की पूरी मूवी एक बहुत ही शानदार फैमिली एंटरटेनर दिखाई है। खास बात ये है कि दोनों ने पूरी फिल्म के एंड तक साथ निभाया, सलमान खान और कैटरीना कैफ, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की। ये कैसे निभाया, क्या हुआ, ये आप मूवी में जाके देखेंगे। बहुत अच्छी मूवी है, मेरी आपको यही राय है, यही सजेशन है हमारे रील से रियल के सेशन में द ग्राउंड रिपोर्टर के, कि आप जाएं और मूवी को ज़रूर देखें। साइनिंग ऑफ, गौरव सरैया।